हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और आप सभी का स्वागत है ट्विंस बेबी मम्मा डॉट कॉम चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि बच्चे के गले में गर्भ नाल फंसे होने पर भी हमारी नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो गई थी, वो भी पहली बार में। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपकी एक बहुत बड़ी टेंशन दूर कर दूं, स्पेशली जो पहली बार माँ बनती है। यूट्यूब पर मैं बहुत सारे वीडियो देखती हूँ जिसमें ये बताया जाता है कि आपके गलत तरीके से उठने, बैठने, सोने या फिर खाने से जो है बच्चे के गले में गर्भ नाल फंस जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि बहुत सारी जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वो अपने आप को बहुत ज्यादा ब्लेम करती हैं। प्रेगनेंसी में बच्चा चाहे अपने गले में एक बार गर्भनाल को फंसाए या फिर वो डबल फंदे में गर्भनाल को फंसाए, तो इसमें आपका कोई भी दोष नहीं होता है। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं, ये आपकी वजह से बिल्कुल नहीं होता है। आपको बताती हूँ ऐसा होता क्यों है। देखिए, जब हमारी प्रेगनेंसी होती है तो जो हमारा बेबी होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो बहुत ज्यादा शैतान होता है। गर्भावस्था में पेट के अंदर बेबी को खेलने के लिए कोई खिलौने वगैरह नहीं होते हैं जिससे वो खेले। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होती है, वो होती है गर्भनाल। जी हाँ, गर्भनाल से ही बच्चा खेलता है और उसी के जो है अराउंड वो घूमता रहता है, उछलता रहता है, मतलब बहुत सारी हरकतें करता है, जिस वजह से वो खेलते खेलते गर्भनाल को अपने गले में लपेट लेता है। आपके मन में ये आता होगा कि बच्चा अपने गले में गर्भनाल फंसा लेता है तो इससे बच्चे को बहुत ज्यादा खतरा होगा, तो मैं बता दूं इससे बच्चे को कोई भी खतरा नहीं होता है। जो हमारी गर्भनाल होती है उसके अंदर एक जैली जैसा पदार्थ होता है जो कि बच्चे के गले में गर्भनाल को बिल्कुल भी टाइट नहीं होने देता है। गर्भनाल दिखने में बहुत ज्यादा दूर से टाइट जैसी जरूर लगती है लेकिन वो बिल्कुल भी टाइट नहीं होती है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये जो केसेस होते हैं कि ज्यादातर बच्चा गर्भनाल फंसा लेता है, बहुत सारे केसेस में बच्चा अपने आप ही निकाल लेता है। बहुत कमी केसेस ऐसे होते हैं, हम कह सकते हैं कि 20-30% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें बच्चा जो है डिलीवरी का जब टाइम आ जाता है तब तक अपने गले में गर्भनाल को फंसाए रखता है, मतलब तब भी नहीं निकलती है। ऐसे केस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं और ये जो समस्या होती है इसको हम न्यूकल कॉर्ड कहते हैं। और गर्भावस्था के दौरान ये जो गले में गर्भनाल का फंसना, ये बहुत ही एक आम समस्या होती है। मैं आपको बता दूं कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी कैसे हुई थी, वो भी पहली बार में। देखिए, होता क्या है कि अगर बच्चे ने गर्भनाल फंसा रखी है तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। बस दिक्कत कहाँ पे आती है, अगर बच्चे ने गर्भनाल फंसा रखी है तो नॉर्मल डिलीवरी होने में नॉर्मल की अपेक्षा काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। जैसे मान लीजिए, वैसे तो 10 से 15 घंटे में डिलीवरी हो जाती है आराम से। अगर फर्स्ट टाइम है तो फर्स्ट टाइम में बच्चेदानी का मुंह खुलने में ही टाइम लगता है। दूसरी बात, अगर बच्चे ने गर्भनाल को फंसा रखा है तो बच्चा नीचे आने में भी काफी टाइम लेता है, तो मुझे पूरे 24 घंटे लग गए थे। तो सबसे पहली चीज कि आपको बहुत ज्यादा हिम्मत रखनी होगी, आपको बहुत ज्यादा पेशेंस रखना होगा। और इतना ही नहीं, इसके लिए दूसरी सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये डॉक्टर हमारी डिलीवरी कर रही वो बहुत ही ज्यादा ईमानदार और अच्छे होने चाहिए। होता क्या है कि इसमें सिर्फ आपकी ही हिम्मत जरूरी नहीं होती बल्कि एक अच्छे डॉक्टर का भी होना बहुत जरूरी होता है। कुछ डॉक्टर क्या करते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, कुछ डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं जो कि आराम से और अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी कर देते हैं, लेकिन कुछ क्या करते हैं कि इतना ज्यादा हाईलाइट करके बता देते हैं कि पेशेंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा घबरा जाता है, जिस वजह से 80% सी सेक्शन हो जाते हैं। कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है कि गर्भनाल अगर फंस गया है, बच्चे ने फंसा रखा है, तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। अगर आपने ऐसे डॉक्टर को दिखाया है जो ज्यादातर कोशिश करते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही हो, मतलब हर हाल में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो या कोई बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी हो तभी आपको सी सेक्शन करने की सलाह दें, तो क्योंकि अगर बच्चे ने गर्भनाल फंसा रखी है तो 80% नहीं 100% डॉक्टर के ऊपर होता है कि वो आपकी नॉर्मल डिलीवरी करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर डॉक्टर ने बोला है कि लास्ट टाइम पे भी बच्चे ने गर्भनाल फंसा रखी है तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आराम से हो जाएगी डिलीवरी। मेरी बहुत आराम से हो गई थी, बस बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। मान लीजिए आपकी डिलीवरी हो रही है, बहुत कम ही ऐसा होता है जो बच्चा बाहर आते समय कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो, वरना कोई भी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं होता है। अगर हमारे डॉक्टर अच्छे हैं तो बिल्कुल आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। कि अगर आप घबरा गई तो फिर नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने माइंड में सेट कर ले कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है, बिल्कुल हो जाएगी। अगर आप परेशान हो गए, आप एकदम से बेचैन हो गए, तो फिर सीधी सी बात है नॉर्मल डिलीवरी का बिल्कुल भी संभव नहीं है। दूसरी चीज, अगर आपके घर वाले बहुत जल्दी परेशान हो गए कि नहीं नहीं जल्दी करो जल्दी करो, देखिए कुछ केस ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा टाइम लग ही जाता है, आपको कुछ पाने के लिए थोड़ा बहुत तो कुछ खोना ही पड़ेगा, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है ताकि आपकी 80% टेंशन दूर हो सके। अगर मान लीजिए सो करता भी अल्ट्रासाउंड में, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आराम से अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय कीजिए। तो आपको ये बातें जरूर ध्यान रखनी है, आपको बिल्कुल
भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, बस ऊपर वाले से दुआ करनी है। और एक बात और आपको क्लियर कर दूं कि अगर बच्चे ने गर्भनाल फंसा लिए तो ऐसा कोई तरीका नहीं होता है कि उसके गर्भनाल को निकाला जाए, तो बिल्कुल भी फालतू बातों पर ध्यान ना दें। कहने का मतलब है नेचर से बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें, ऊपर वाले से बस दुआ करें। बच्चा अपने आप ही गर्भनाल को फंसाता है और अपने आप ही हटाता है। अगर आपको कोई ये सजेशन कर रहा है कि आप ऐसा करिए तो वो हट जाएगा, आप ऐसा नहीं करिए, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आप किसी के बहकावे में आती हैं तो आप अपने लिए नहीं बल्कि आप बच्चे के लिए भी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन तैयार कर सकती हैं। जैसे मेरे बच्चे ने ही गले में गर्भनाल फंसा ली थी, वो भी डबल फंदे थे, तो बिल्कुल आराम से हो गई थी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी, जैसे होती है नॉर्मल डिलीवरी। बस ऊपर वाले से जरूर दुआ करें, जब तक आपका टाइम आए तब तक बेबी जो है अपने गले से गर्भनाल को हटा ले। गर्भनाल जो होती है वो हमेशा गले में ढीली होकर लपेटती है, कभी भी बहुत ज्यादा टाइट या कसाऊ नहीं मारती है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। फोटो में दिखती ऐसी है लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता है, रियल में वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, बहुत ही ज्यादा बिल्कुल अलग ही टाइप में होती है, जैसे कि आपने देखा भी होगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। ऐसी ही प्रेगनेंसी से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलती रहेंगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।